अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं कीमा कढ़ाई। ये रेसिपी बहुत ही मज़े की है। आपने बहुत सी कढ़ाइयाँ खाई होंगी, मटन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, कीमा कढ़ाई और चिकन कढ़ाई, लेकिन ये कढ़ाई जो है ये बहुत डिफरेंट है और मज़े की और बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट से बनाएंगे। सबसे पहले हम इसमें आपने ले लेना है एक आयरन पॉट और उसके अंदर डालेंगे हम ऑयल, उसके बाद डालेंगे कीमा। इसको आपने भून लेना है, अच्छी तरह इसको फ्राई करना है, उस वक्त तक करना है जब तक ये चिकना मक्खन ना हो जाए, इसलिए कि इसमें प्याज नहीं डल रहा, आप लोग देख रहे होंगे, इसलिए भी ये डिफरेंट है। इसको हमने अच्छी तरह वाइट कर लेना है, उसके बाद हमने इसमें डालना है नमक। नमक पालो तो बाद सुट लो जिंजर गार्लिक पेस्ट और फिर हम इसको अच्छी तरह से ना इसमें मिक्स करेंगे, पकाएंगे और उसके बाद हम इसे ना 2-3 मिनट के लिए ना ढक देंगे ताकि इसका टेस्ट जो है ना वो अच्छी तरह से इन्हेंस हो जाए। ये इसके बाद इसका जो कीमे का पानी निकलता है ना उसमें भी ये अच्छी तरह कुक हो जाता है अदरक लहसुन, तो फिर इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। इसके बाद हम इसको फिर से थोड़ा सा हिलाएंगे और उसके बाद हम इसमें अपने इन्ग्रीडियंट्स डालेंगे। इसमें हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, इसमें हम डालेंगे गरम मसाला, बिसी काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, बिल्कुल सिंपल घर में जो आपके मसाले आप रोज़ाना यूज़ करते हैं वही इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। सबसे मज़े की बात इसकी ये है, इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह भून लेना। भूनने के बाद हमने इसमें शामिल कर देने हैं 2-3 टमाटर। टमाटर हम शामिल करेंगे तो उससे इसका टेस्ट और मज़े का हो जाएगा। इसको हमने बंद कर देना थोड़ी देर के लिए, 4-5 मिनट के लिए, ताकि इस टमाटर ज़रा सॉफ्ट हो जाए और इसका पानी भी इसके अंदर मिक्स हो जाए। जब टमाटर इसके सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर आप इसको खोल के देखेंगे कि इसका कैसा रिजल्ट आता है। जब इन्हें देखें, आप देखा कि पानी इसका जो है वो टमाटर मिक्स हो रहे हैं इसके साथ, इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे पानी और इसको हम कर देंगे ढक देंगे 10-1 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे, ताकि इसके अंदर जो है स्लो फ्लेम पे ढक देंगे ताकि इस जो टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और एक स्मूथ सी पेस्ट बन जाए। आप देख रहे हैं इसमें प्याज बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ है, तो प्याज के बगैर हमारे यहाँ कोई सालन नहीं बनता है, कुछ भी नहीं बनता है, लेकिन इसमें प्याज यूज़ नहीं हुआ लेकिन फिर भी इसका टेस्ट बहुत मज़े का होगा। उसके बाद हमने इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है, इसको ढक देना है। जब हम इसको खोलेंगे तो इसमें पेस्ट टमाटर जो है वो देखें अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लिया है, कीमा सारा नज़र आ रहा है। हम इसको हिलाएंगे, अच्छे से भुनाई करेंगे, देखें कितनी बढ़िया साड़ी रेसिपी तैयार हुई है। अब हमने एक ले लेना है क्ले पॉट, उसको हमने प्री हीट कर लेना है अच्छे तरीके से और उस पर हमने डालना है 2 स्पून के करीब बटर। उस बटर के अंदर हमने इस कीमे को ऐड कर देना है। जब हम इसको उसके अंदर ऐड करके 2-3 मिनट के लिए दम पे रख देंगे और फिर हम इसको हम स्मोक देंगे। एक कोयला आप अच्छी तरह से बर्न कर लें, उसको अच्छे तरह लाल करके खोलें, उसके बाद एक ड्रॉप ऑयल दे सकते हो तो इन्हें बंद कर दियो, फिर उन 10 मिनट वास्ते ढक के रख दियो। दम के बाद ये उत्ते चंगी तरह गार्निश करो हरिया मिर्चा हरा धनिया। लो जी, बड़ी मज़ेदार जी कढ़ाई तैयार है। हुण तुसी इनू टेस्ट करके वेखो, पकाओ तो दसो, मैनू इहदा फीडबैक दिओ, बहुत ही मज़े की होगी। हुण तुसी खाओ, चपाती दे नाल, नान दे नाल, रायता सैलड दे नाल सर्व करो, पराठिया दे नाल कराओ, रोल बना के खाओ, बहुत ही मज़े देने। लाइक शेयर और सबसक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।